अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस रेड बटन को क्लिक करके आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसके बाजू में जो बेल आइकॉन है इसे क्लिक करके इसकी नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है रैबर खान और मैं आज आपको बताने वाला हूँ एडोब फोटोशॉप फिक्स के टूल्स के यूज़ के बारे में और उसका थोड़ा सा रिव्यू देने वाला हूँ। और इससे पहले मैंने एडोब फोटोशॉप एक्सप्रेस का रिव्यू दिया था, तो आप वो वीडियो भी चेक कर सकते हैं। और इससे पहले मैंने लाइटरूम का भी दिया था, तो आप उसका भी वीडियो जो है चेक कर सकते हैं। तो चलिए, सिंपली आप इस वाले जो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, एडोब फोटोशॉप फिक्स। तो ये सिंपली प्ले स्टोर में जाइए और यहाँ सर्च कीजिए एडोब फोटोशॉप। जैसे आप एडोब फोटोशॉप सर्च करेंगे तो सामने ही आपके आ जाएगा एडोब फोटोशॉप फिक्स। तो देखिए, इसका लोगो कुछ इस तरीके का है, तो आप सिंपली इसे डाउनलोड कर लीजिए। और मैंने इसे पहले से ही डाउनलोड कर रखा है, ये बिल्कुल फ्री है और 1 मिलियन इसके डाउनलोड्स हैं, 4.2 की इसकी रेटिंग है। तो सिंपली इसे ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलता है। और देखिए, यहाँ मोर ऑप्शन में मैंने इसमें जो है जीमेल की एडोब आईडी मैंने इसमें डाल रखी है। जो मैंने अगर आपने मेरी लाइटरूम वाली वीडियो देखे होंगे तो उसमें मैंने एडोब आईडी के बारे में बताया था। और इससे पहले जो एडोब फोटोशॉप एक्सप्रेस में भी, उसमें भी एडोब आईडी के बारे में मैंने बताया था। तो सिंपली आप वो वीडियो भी जाके चेक कर लीजिए और देख लीजिए आप, और मैंने और देख लीजिए कि एडोब आईडी कहाँ कहाँ काम आती है। तो सिंपली हमने एडोब आईडी से लॉग इन कर लिए हैं। और देखिए, यहाँ एक प्लस का सिंबल दिख रहा है, यहाँ क्लिक कीजिए। तो यहाँ देखिए, आप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं आपकी जो फ़ोटोज़ हैं। तो और देखिए, यहाँ दो फ़ोटो जो दिख रही हैं आपको, एक एरोप्लेन की और एक गर्ल की कोई, तो ये दोनों सैंपल हैं। अगर आपको इनमें रिटच करके देखना है शुरू में तो आप इनसे सीख सकते हैं। और सिंपली यहाँ से आप देखिए, मोबाइल सबसे ऊपर वाला जो दिख रहा है आइकॉन, ये है फ़ोन से इंपोर्ट करने का। और ये कैमरा से है, और ये क्रिएटिव क्लाउड से है, और ये लाइटरूम से है, और एक ये लाइब्रेरी से है। तो सबसे पहले हम तो मोबाइल से ही करेंगे अपनी गैलरी से। तो सिंपली इसमें क्लिक कर देते हैं, क्विक पिक गैलरी खोल लेते हैं। यहाँ से मैं अपना एक फ़ोटो ले लेता हूँ, चलिए यही वाला ले लेते हैं। तो देखिए, ये इस तरीके का आपको जो है इंटरफेस इसको फिर से देखने को आपको मिल जाता है। तो इसमें भी नीचे एक बार है, इसमें बहुत से टूल्स हैं, ऊपर भी है, इसमें अंडू रीडू शेयर और फुल साइज़, और ये लेयर का है। तो देख सकते हैं, ये बिल्कुल एडोब फोटोशॉप एक्सप्रेस जैसा ही है, लेकिन इसके टूल्स थोड़े से बदले हुए हैं। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्रोप है, क्रोप वही नॉर्मल जो रहता है हर जगह, क्रोप फ्लिप क्रोप, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, फ्री क्रोप, ओरिजिनल, 90 डिग्री रोटेट, तो इस टाइप का जो क्रोप है। और सेकंड है एडजस्ट, एडजस्ट में आप एक्सपोजर जो नॉर्मली आता है बढ़ा घटा सकते हैं। और कॉन्ट्रास्ट है, सेचुरेशन है, शेडोज़ हैं, हाइलाइट्स हैं, और बस इतना ही है इसमें। और देखिए, यहाँ से लेयर की आप ओपेसिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और यहाँ से हाइड कर सकते हैं लेयर को, और यहाँ से आप चेंजेस देख सकते हैं बिफोर आफ्टर वाले। तो सिंपली हम इसे ओके कर देते हैं। अब आते हैं थर्ड वाले में, लिक्विफाई। तो ये देखिए, फेस तो डिटेक्ट हो गया, बट यहाँ कुछ हुआ है नहीं, फेस में सिर्फ फेस डिटेक्ट हुआ है, हो गया। तो यहाँ लिक्विफाई का यूज़ आपको मैं बता देता हूँ। तो देखिए, लिक्विफाई का यूज़ कुछ इस तरीके से होता है। आप जैसे देखिए, इसका जो है साइज़ का सेट करने का तरीका कैसा है, देखिए सिंपली आप इस साइज़ में जाइए
और सिंपली स्वाइप डाउन अप करिए तो आप ब्रश का साइज देखिए अपने आप ये बड़ा छोटा होते जा रहा है। तो हमें इतना रखना है, यहाँ से गए, ये यहाँ गाइडलाइंस आ जाती हैं तो हम इसे बंद कर देते हैं। देखिए ब्रश का साइज कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया है तो हम इसे फिर से छोटा कर देते हैं। तो इस तरीके से सॉइल है तो होल्ड करके रखेंगे आप। तो खैर ये जो टूल है उतना यूज़ में आता नहीं है, बहुत कम यूज़ में आता है तो हम इसे छोड़ देते हैं। हमारे जो एडिटिंग जो करते हैं हम उसमें ये इतना यूज़ में नहीं आता लिप्टीफाई। अब आते हैं हम हीलिंग में। हीलिंग तो आपको एडोब फोटोशॉप एक्सप्रेस में भी मिल जाएगा और अपना स्नैपसीड में भी मिल जाएगा और भी पिक्सार्ट वगैरह सब में है तो इसमें भी है। इसमें देखिए मैं करके दिखाता हूँ इसका यूज़। हार्डनेस थोड़ी सी कम कर देते हैं और सिंपली देखिए यहाँ जो दाग हैं थोड़े बहुत हम टैप करेंगे तो ये जो है रिमूव हो जाएंगे। तो हीलिंग का यूज़ यही है। यहाँ पैच का यूज़ भी दिया है जो फोटोशॉप में देते हैं, जैसे आपको मान के चलिए ये थोड़ा सा जो भाग दिख रहा है इसे आपको रिमूव करना है तो आप सिंपली पैच में जाइए और यहाँ से साइज सेट कर लीजिए ब्रश की। ये देखिए वहाँ से रिमूव हो गया है। और यहाँ क्लोन है, क्लोन का यूज़ तो आपको पता ही है। सिंपली आप यहाँ से सिलेक्ट कीजिए और जहाँ भी क्लोन करना है वहाँ स्टार्ट कर दीजिए। देखिए मैंने इधर सेलेक्ट किया था और क्लोन इधर कर दिया हूँ। तो ये क्लोन का सिंपली नॉर्मल सा यूज़ है। अब आते हैं हम थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ वाले में आते हैं, स्मूथ। ये काफ़ी अच्छा टूल है, बहुत ही अमेजिंग, मतलब स्मूथ करने के लिए आपके फेस को या आप किसी भी चीज़ को स्मूथ करना है तो आप इससे बिल्कुल स्मूथ कर सकते हैं। मैं यहाँ से देखिए स्मूथ करके दिखाता हूँ। हम साइज सेट कर लेते हैं पहले, इतना ठीक है, हार्डनेस भी ठीक है, एप्लिसिटी भी ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये देखिए कितना परफेक्ट स्मूथ हुआ है चेहरा। और यहाँ से आप देखिए इसके हाथ भी स्मूथ कर दीजिए। तो फ्रेंड्स ये फ़ोटो जो ली गई है ये D3200 से ली गई है, मतलब D3200 निकॉन से ली गई है। 70-300 mm लेंस इसमें यूज़ हुआ है। अगर आप भी इसी टाइप की फ़ोटो की क्लिक करना चाहते हैं तो आप भी 70-300 mm यूज़ कीजिए लेंस का। और स्मूथ करने के बाद हमें अगर शार्प करना है तो हम शार्प में जाएंगे और सिंपली देखिए मैं शर्ट को थोड़ा शार्प करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ और डिटेल ऐड हो गई है, जैसे मैं बालों को शार्प करता हूँ देखिए और डिटेल बालों में दिखने लगी है। देखिए देख सकते हैं आप, तो इस तरीके का है। तो ना हम इसे ओके कर देते हैं। लाइट में क्या है, देखिए आप जैसे फेस में जो है ब्राइट करना चाहते हैं तो यहाँ से सिंपली ओपेसिटी कम ज़्यादा कर लीजिए और साइज सेट कर लीजिए और यहाँ देखिए इसे ऐसा टूल को चला दीजिए। इस तरीके से देखिए चेहरा बिल्कुल ब्राइट हो गया। इस तरीके से इसे यूज़ कर सकते हैं और डार्क का भी यूज़ यही है, आप जहाँ डार्क करना चाहते हैं वहाँ डार्क करके इसे यूज़ कर लीजिए। अब आते हैं लाइट के बाद कलर में। अगर आपको कहीं का कलर शार्प करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। तो मैं सैचुरेट में जाऊँगा यहाँ प्लस में और देखिए मैं बैकग्राउंड का कलर यहाँ से ब्रश का साइज सेट कर लीजिए पहले, ओपेसिटी बढ़ा दीजिए थोड़ी सी और यहाँ से देखिए सिंपली आप जहाँ जहाँ इसे चूज़ करेंगे वहाँ वहाँ ये कलर जो है बढ़ेगा। ये इस तरीके से काम करता है ये टूल।
और यहाँ से डिसैचुरेट करेंगे तो यहाँ से देखिए जहाँ जहाँ अपन ने करें वहाँ डिसैचुरेट हो जाएगा। और ये पॉप का जो ऑप्शन है ये ऑटोमेटिकली थोड़े कलरों को थोड़ा सा बढ़ा देता है, पॉपअप मतलब थोड़े से कलर इंक्रीज कर देता है, तो आप इसका भी ऑटो यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं हम पेंट में। पेंट का यूज़ तो कुछ खास है नहीं, पेंट नॉर्मल पेंट जो करते हैं अपन वही है। जैसे मैं देखिए फेस में जो है पिक कलर करता हूँ फेस का, ये फेस का कलर पूरा हो गया यहाँ, और यहाँ से मैं सिंपली इसे चालू कर दूँगा करना, सॉरी पेंट में जाके देखिए कलर इसके ऊपर होने लगा है इस तरीके से। अब आते हैं हम नेक्स्ट डीफोकस। डीफोकस का देखिए आप, मैं इसकी ओपेसिटी बढ़ा देता हूँ यहाँ सिंपली, और देखिए मैं बैकग्राउंड को थोड़ा सा ले लेता हूँ यहाँ से डीफोकस, तो ये ब्लर होगा। आप यहाँ से भी ब्लर कर सकते हैं यहाँ से डीफोकस में जाके, लेकिन मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड ब्लर कर देता हूँ। तो देख सकते हैं ये थोड़ा सा और ब्लर हो गया बैकग्राउंड, तो ये डीफोकस का यूज़ ये है। और आखिरी है टूल विग्निटेज, तो ये यूज़ इस तरीके से होता है। देखिए विंटेज का यूज़ तो बहुत जगह देखे होंगे आपने, तो ये वही यूज़ है, शेप है जैसा करना चाहते हैं। नॉर्मली ये ठीक ठाक एप्लीकेशन है। सबसे अच्छा जो इसका फंक्शन मुझे लगा वो लगा स्मूथ का, परफेक्ट स्मूथ होता है इसमें फेस जो है, बाकी तो सब वही है। तो उतना अगर मैं इसे स्नैपसीड से कंपेयर करूं तो ये भी थोड़ा कम है, और अगर मैं इसे एडोब फोटोशॉप एक्सप्रेस से कंपेयर करूं तो बराबर है, और अगर लाइटरूम से भी कंपेयर करूं तो फिर भी बराबर ही है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर कुछ क्वेश्चन होंगे इस एप्लीकेशन के बारे में तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और मैं ऐसी वीडियो और लाता रहूँगा आपके लिए। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग।